अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, आपके सिस्टम में कोई मसला नहीं है। बेसिकली ये मेरे वीडियो का एक बल्कि दो वीडियोज इस तरह हैं कि जिसमें कुछ फ़नी ख़राबी की वजह से उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। तो पहले तो सोचा कि मतलब एक सारी जो मेहनत है वो ज़ाया गई, लेकिन फिर मैंने उसका यही हल एक निकाल लिया, वॉइस ओवर कर दूँ। तो ये वीडियो है बेसिकली, हमने घर में सोलर लगाया था और सोलर के साथ जो है ना एक छोटी सी जो है ना मतलब ये कि वही सोलर के जो मतलब लोग लगाने के लिए आए थे उनके लिए जो है ना एक छोटी सी दावत कह लेंगे ऐसा, तो वो भी की थी। तो मैंने कहा दोनों जो है ना फूड भी हो जाएगा और आपको जो है साथ जो है ना मतलब ये कि सारा प्रोसेस भी शेयर हो जाएगा। तो जब हमने सारी मतलब वीडियोस तो बना ली, लेकिन वीडियोस के बनाने के बाद जब एडिटिंग शुरू की तो एडिटिंग के दौरान पता लगा कि भाई उसका जो है मतलब ये कि वॉइस रिकॉर्डिंग हुई नहीं है। और वॉइस रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई थी, इसकी वजह से, इस माइक की वजह से। इसलिए कि पहले मैं कर चुका था लेकिन ये मसला नहीं आया था, लेकिन इस दफ़े इसमें ये मसला आ गया था कि ये कनेक्ट नहीं हुआ था। जो रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है, वो रिसीवर के साथ ये कनेक्ट नहीं हुआ था, उसकी वजह से ये मसला है। तो आए देखते हैं बाकायदा वीडियो। सबसे पहले मुलाकात करते हैं इन शर्मीले तोते से जो हमें देख के छुप रहे हैं। फिर ये जो मतलब कटिंग के लिए जो एंगल सेटिंग कर रहे हैं, वो एंगल सेटिंग के लिए जो है ना मतलब ये कि वो डिजिटल बाकायदा उसको यूज़ कर रहे हैं। काम हम जब कर रहे थे तो उसके दौरान 1 बजे हमारी बिजली चली गई, तो हमने कहा कि अब कुछ पेट पूजा भी कर ले। तो उसमें जो है ना हमने बनाई थी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दाल चावल, और दाल चावल के साथ जो है ना घर का बना हुआ जो है ना लीमू आम और हरी मिर्च का मिक्स अचार है, साथ में पुदीने की चटनी दही में। ये जो है ना फिर हमने पहले डाले चावल, और चावल जब थोड़े से हमने मतलब उसमें डाले, उसके साथ जो है ना दाल उसके ऊपर डाली, और चावल के बाद ज़ीरे वाले चावल के ऊपर जब आप दाल डालते हैं तो उसको देखते ही जो है ना मतलब आपके मुँह में पानी आ जाता है। उसके साथ ही जो है ना जब दाल हमने थोड़ी सी इसमें डाल ली, तो उसके बाद हमने उसके साथ डाला थोड़ा सा अचार, इसलिए कि दाल चावल के साथ अचार ना हो तो वो इनकम्प्लीट सी डिश, मैं समझता हूँ कि इनकम्प्लीट सी डिश है। थोड़ा सा अचार डाला और उसके बाद उसको जो है ना थोड़ा सा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो है ना उसमें थोड़ा सा जो है ना सैलेड साइड पर डाल लिया, और उसके बाद एक ज़बरदस्त सी बाइट बनाई, और ये वाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया। इसलिए कि जो दाल चावल साथ में अचार साथ में सैलेड, तो मेरा तो फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। तो सब हमने जो है ना मिलके खाया और काफ़ी मज़ा आया। तो जब ये सारा ये दूसरा बाइट, ओए होए बहुत ही मज़े का बाइट माशाल्लाह। उसके बाद फिर हमने काम शुरू किया। ये हमारे एक चीज़ ना मतलब जो चाचा जी हैं जो कि मतलब वेल्डर भी हैं और वो स्ट्रक्चर भी बना रहे थे। इसके बाद हमने जो है ना मतलब ये चूंकि उसको जंग न लग जाए तो स्ट्रेस प्रूफिंग के लिए हमने क्या किया, उसको जो है ना उसके लिए रंग तैयार कर दिया। और ये जो है ना मतलब उसके लिए रंग तैयार हो रहा है ताकि इसलिए कि उसमें बारिश भी होगी डस्ट भी होगी, तो वो उसके रस्ट प्रूफिंग के लिए जो है ना मतलब ताकि उसके जंग न लगे, तो उसको हमने ये सारा पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद फिर सबसे अब स्ट्रक्चर लगाने का, लेकिन वहीं पर जो है ना हमारा मेन मसला आ गया कि तो वो ज़मीन नरम निकली। तो उस पर काफ़ी हमने ट्राई की कि मतलब किसी तरीके से इसे लग जाए, लेकिन उसमें वो बहुत रिस्क था, इसलिए कि अगर हम उस पर लगाते तो थोड़ी सी हवा के साथ वो सारा स्ट्रक्चर जो है ना उड़ने का ख़तरा था। तो फिर फाइनली हमारा ये डिसाइड हुआ कि हमने जो ऊपर लेयर है जो मार्बल लगा हुआ है उसको जो है ना हमने उखाड़ देना, नीचे देखने अगर नीचे जो है ना कंक्रीट निकला है तो ठीक है, लेकिन अगर कंक्रीट नहीं निकला तो फिर उसके बाद हमें जो है ना मतलब ये कि कोई जो है ना बल्कि इसका नीचे से प्लेट लगानी पड़ेगी। लेकिन लकीली हमारी जो है ना यहाँ पर जो है ना किस्मत अच्छी कि वहाँ पर बेसिकली ये जो नरम मिट्टी थी या बजरी थी ये बेसिकली थी इंसुलेशन के लिए, ठीक है। तो जैसे ही हमने वो तोड़ा तो उसके नीचे उसका जो कंक्रीट वाला हिस्सा है निकल आया। तो उस पर हम दूसरे दिन जब हमने काम किया तो हमारे बिन बुलाए मेहमान आ गए। ये देखें जी, ये जो है ना हमारे हमसायों के कबूतर है, लेकिन खाना खाने ये हमारे मतलब ये कि मेहमान होते हैं। तो ये आ गए, इनके साथ थोड़ा वक्त गुजार लिया, तब तक जो है ना उन्होंने अपना काम कर लिया। तो
तो जी नेक्स्ट डे जब वो आ गए तो उन्होंने पूरा जो है ना कंक्रीट का वो स्ट्रक्चर उसको मतलब उसमें सही अच्छे तरीके से लगा लिया और स्ट्रक्चर बल्कि खड़ा भी कर दिया, और उसके अलावा उसको ये एडिशनल जो है ना सपोर्ट्स भी दे दिए और कंक्रीट के जो है ना उसमें से ब्लॉक्स बना दिए ताकि अगर खुदा ना खासा तेज़ हवा भी आ जाए या आंधी आ जाए तो उसमें जो है ना इसको कोई डैमेज ना हो। उसके बाद हमारा जो मरहला आया वो मरहला था हमारा प्लेट्स को ऊपर लाने के, 10 प्लेट्स थी सोलर प्लेट्स की, तो वो एक एक करके हम जो है ना सारे 10 प्लेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से एक एक करके सारे ले आए, और हमें मतलब थोड़ा सा उसमें मुश्किल तो लग रहा था कि मतलब ये कि 10 की 10 प्लेट जो है ना हम ऊपर लाएंगे कैसे, इसलिए कि थोड़े से भारी भी थे और वो छत का जो है ना मतलब फासला भी ज़्यादा था, लेकिन अल्लाह के फजल से वो सारा कुछ जो है ना खैर ऑफियत से हो गया और सारी जो है ना प्लेट्स आ गई और बहिफाजत पहुंच गई। ये सारी आ गई हैं और अभी जो है ना ये एक एक करके सारी प्लेट्स आ रही हैं। ये जब सारी प्लेट्स हमारे ऊपर आ गई तो उसके बाद प्लेट्स को फ़िक्स करने का मरहला आया। तो प्लेट्स को फ़िक्स करना जो है ना मतलब ये कि वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई भी जो है ना मसला नहीं आया और वो बहुत ही जो है ना आसानी से और विद इन वो कहते हैं ना विद इन नो टाइम जो है ना वो सारी फ़िक्स हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह सारी प्लेट्स फ़िक्स हो गई, सब कुछ इंस्टॉलेशन भी हो गई, लेकिन नेक्स्ट डे सुबह जो है ना मसला तब आया जब हमारे हमने मतलब उसमें एक ऑप्शन था कि भाई आप जो है ना इसको सोलर से वापडा पे मतलब ये जो हेवी लोड है वो ट्रांसफ़र करें। तो बैटरी सारी जो है ना मतलब सब कुछ हो गया, सारी फिस हो गई, लेकिन जैसे ही हमने उसमें उन्होंने क्या किया था, एक चार्ज चेंज ओवर लगाया था, ये एक साइड वाला जो चेंज ओवर लगाया था, इस चेंज ओवर पे जो है ना क्या हुआ कि उन्होंने एक तार उल्टी लगाई हुई थी। तो जैसे ही हमने चेंज ओवर उल्टा मतलब वो चेंज किया तो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ किया तो वो जो है ना सारे घर की बिजली चली गई। अब हम परेशान थे, अल्लाह क्या हो गया, मतलब ये कि आया मतलब ये कि इसलिए कि इवन कि हमारी वापडा बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। तो उसके बाद फिर हमने मतलब जो इंस्टॉलेशन वाला इलेक्ट्रीशियन था उनको कॉल की, अब वो फारिग नहीं, ना फ़ोन उठाए, सारा परेशानी में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है ना वो शाम को आया, जब उसने देखा तो उसने जो है ना मतलब ये कि वो देखा कि भाई ये एक तार ही गलत लगी हुई थी। मैंने कहा भाई मेरे एक तार आपने तो गलत लगी ना, हमारी परेशानी से बुरा हाल हो गया था, इसलिए कि सारा दिन जो है ना मतलब ये कि चले हम तो कह रहे कि चले सोलर तो काम कर रहा था लेकिन अगर शाम को अभी क्या करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारे उन्होंने ठीक कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना बिल्कुल A1 काम कर रहा है। तो आप भी जो है ना मतलब ये कि सोचिए, अगर आप बिल कम करना चाहते हैं अच्छी बात है, रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं, बहुत फ़ायदे की चीज़ें। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम।